उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाबदी नगर की रासर ग्राम लोराड़ा का मामला। नावा सिटी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाबदी नगर की रासरप ग्राम लोहराड़ा के ग्रामीणों ने गुरुवार को नावा तहसीलदार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि रवि फसल 2020-2021 की गिरदावरी रिपोर्ट पटवारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष दबाव या रिश्वत लेकर पूर्णतः फर्जी तैयार कर दी गई है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम लोहराड़ा में चना फसल की बुवाई लगभग 100 से 200 हेक्टेयर फर्जी दर्शाई गई है, जिससे फर्जी लोगों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचने हेतु टोकन कटवा लिया गया है तथा वास्तविक किसान जिसने चना की फसल की बुवाई की है वह टोकन कटवाने में असमर्थ रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि प्रत्येक बार पटवारी द्वारा व्यक्ति विशेष दबाव पूर्वक रिश्वत लेकर फर्जी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर लेता है तथा अन्य जिलों में रह रहे सगे संबंधियों की फसलों को समर्थन मूल्य पर ग्राम लोहराड़ा के नाम से बेचा जाता है तथा वास्तविक किसानों को अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। लोहराड़ा के ग्रामीणों ने मांग की है कि यथाशीघ्र वर्तमान निर्मित गिरदावरियों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा पटवारी को साथ में लेकर ग्रामीणों के समक्ष राजस्व ग्राम लोहराड़ा में यथास्थित सर्वे करवाकर सही गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाएं, जिससे वास्तविक किसानों को फसल का उचित लाभ मिल सके। आनंद सिंह, राजू कुमार, छितर राम, सीताराम, शोभा राम, धन्ना राम, लक्ष्मण द्वारा शिकायत की गई है। 24 न्यूज HD, हर्षित अग्रवाल, कुचामन सिटी, नागौर। क्या शुभ नाम है और मामला क्या है? नाम आनंद सिंह, निवासी ग्राम लोरणा। मामला जो है वो है फर्जी गिरदावरी से संबंधित। जो राजस्व ग्राम लोरणा है उसके पटवारी ने बिना भौतिक सत्यापन के गिरदावरी बढ़ा के दे दी। अब उस गिरदावरी के बेस पे कटेंगे टोकन और वो टोकन जो है MSP रेट पे बेचे जाएंगे। तो जिन काश्तकारों की वास्तविक फसल हुई है उनकी MSP रेट पे नहीं जाएगी, क्योंकि मंडी की संग्रहण क्षमता पूर्ण बता दी जाएगी। इस रबी की फसल में चने और जो सरसों है वो MSP रेट पे बिकती है हमारे कुचामन मंडी में। जिस किसी ने भी पटवारी को दबाव दे के समझा बुझा के जैसे भी ये टोकन कटवाए हैं या गिरदावरी करवाई है वो पूरा मामला फर्जी है। इसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है और SDO साहब को भी ज्ञापन दिया है। तहसीलदार साहब ने RI को इसका जो जाँच अधिकारी है वो नॉमिनी किया है और मेरे हिसाब से उन्होंने जाँच करके तहसीलदार साहब को सौंप भी दी। अब उस जाँच की जो कॉपी है वो हम लेके और आगे प्रस्तुत करेंगे कलेक्टर साहब।